नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम रिव्यू करने वाले हैं सोलर पैनल 50 वाट का, जो कि लूम सोलर है और डीसी फैन और हमारा एक डीसी कन्वर्टर और अमेची का पावर कंट्रोलर, सोलर पावर कंट्रोलर और लुमिनस के पास सोलर पावर कंट्रोलर आपको पूरी टेस्टिंग करके दिखाने वाले हैं। तो ये देख रहे होंगे आप, फैन को हमने धूप में रख दिया हुआ है। ये लूम का 50 वाट का मोनो पैनल है। तो चलिए हम फटाफट से धूप से थोड़े छांव में जाते हैं, इसके बाद आपको पूरा प्रोसेस करके दिखाते हैं सिस्टम को। हम धूप में वीडियो बनाना थोड़ा दिक्कत की बात होगी, तो चलिए इसको हम फटाफट से छांव में चलते हैं और पैनल को अपने धूप में रख के आपको टेस्टिंग करके दिखाते हैं। और आज आपको हम कंपेरिजन करके दिखाएँगे कि हमारे लिए सबसे बेहतर कौन सा कन्वर्टर, आपका ये कन्वर्टर और आपके लिए कौन सा सोलर चार्जर कंट्रोलर बेहतर होगा। तो चलिए हम छांव में चलते हैं, इसके बाद आपको दिखाते हैं। देख पा रहे हैं यहाँ मैंने अपना जो पैनल है उसको धूप में रख दिया हुआ है और इसकी वायर को हम यहाँ पे ले जाके यहाँ पे छांव में हम कनेक्शन करते हैं। आपको दिखाते हैं हमारा टोटल सेटअप है और ये हमारा डीसी फैन है। देख पा रहे होंगे आप, हमारा डीसी फैन है, बल्ब है, कन्वर्टर है, सोलर चार्जर कंट्रोलर है। तो इसको फटाफट से सेटअप करते हैं, आपको दिखाते हैं। सबसे पहले हम सोलर पैनल को डायरेक्ट आपके कन्वर्टर से कनेक्ट करके पूरा लोड देके, बल्ब का लोड देके दिखाते हैं आपको क्या वर्क करता है या नहीं करता है, और करता है तो कितनी देर वर्क करता है। मान लीजिए अगर आप ये सोच रहे हो कि डायरेक्ट आपको टीवी चलाना हो पैनल से, 50 वाट के पैनल से, क्या यह संभव है? तो चलिए हम आपको टेस्ट करके दिखाते हैं। ये हमारा माइनस, ये प्लस, ये हमारा पैनल का वायर है। जैसे कि आपने अभी मैंने आपको वीडियो में दिखाया, तो हम ये प्लस को प्लस में जोड़ेंगे। ये वायर हमने प्लस को प्लस में जोड़ लिया और हम दूसरा वायर माइनस में जोड़ेंगे। तो आप देख रहे होंगे आवाज़ें आई होंगी, तो ये इसी तरह से काम करता है। अब आप यहाँ देख पा रहे होंगे मैंने यहाँ पे एक बल्ब प्लग कर दिया है। बल्ब का सेटिंग आपको दिखा दे रहे हैं ताकि आपको पूरा भरोसा हो कि ये फेक वीडियो हमने नहीं बनाया है। ये हमारा वायर है और ये हमारे दोनों कनेक्शन हैं, देख पा रहे होंगे आप। तो इसको हम सीधा करते हैं अभी। तो इसको अभी हम बल्ब को अपने, ये हमारा स्मिच का बल्ब है, स्मार्ट बल्ब है ये। तो हमारा हमारे भी लिंक में आप वीडियो जाके देख सकते हैं, इसका भी मैंने वीडियो बना के रखा है। तो चलिए हम बटन प्रेस करते हैं। यहाँ पे हमारा बटन देख रहे होंगे, अब देखते हैं बल्ब जलता है या नहीं जलता है। आप देख पा रहे होंगे बल्ब हमारा जल गया, लेकिन कितने टाइम तक जलता है ये देखना है। तो आप देख पा रहे होंगे कुछ 5-6 सेकेंड ही बल्ब जले होंगे डायरेक्ट लोड से। और आप यहाँ देख पा रहे होंगे बैटरी लो बैटरी का सिग्नल दिख रहा है। तो यहाँ पर ये तो साफ हो गया कि हम डायरेक्ट इससे इस पर लोड दे के टीवी कन्वर्टर चार्जर या बल्ब नहीं जला सकते। इसके लिए हमें बैटरी का कनेक्शन चार्जिंग के लिए देना ही होगा। तो यहाँ पे ये चीज़ हमको समझ में आ गई कि हम डायरेक्ट 50 वाट के सोलर पैनल से टीवी या बल्ब या अदर जो अप्लाइसेंस हैं, जैसे कि मोबाइल चार्जर, ये सब चलाना हुआ तो ये लोड नहीं ले पाएगा। आपको मोबाइल चार्जिंग भी लगा के दिखाते हैं। देखिए अब दोबारा से प्रेस करेंगे आप तो फिर से चल जाएगा, लेकिन बस कुछ सेकेंड के लिए है। इसके बाद ये पेयरिंग मोड में, इसलिए ऐसा हो रहा है। अब फिर से देख रहे होंगे आप ये ब्लिंकिंग करने लगा। तो हम इसको प्लग निकालते हैं, इसके बाद आपको दिखाते हैं चार्जर लगा के, मोबाइल चार्जर। अब देख पा रहे होंगे वो ब्लिंकिंग कर ही रहा है। वो मोबाइल चार्जर से कनेक्ट करके आपको दिखाते हैं क्या वो कितनी देर तक लोड ले पाता है। ये वैसे भी नहीं लोड ले पा रहा है, आप देख पा रहे हैं। आप इस पर लोड दीजिए या ना दीजिए, ये लो बैटरी में आ ही जा रहा है। तो यहाँ पे हमारा ये सिस्टम हम वेरीफाई हो गया कि डायरेक्ट हम इसको बैटरी के बिना कनेक्ट किए या सोलर चार्जर कंट्रोलर के माध्यम से इसको कनेक्ट करके ही अगर यूज करेंगे तो ये बैकअप दे पाएगा, अन्यथा आप डायरेक्ट बैटरी से कनेक्शन नहीं ले पाएंगे। मतलब डायरेक्ट आप पैनल से इसको ऑपरेट, आपका जो कन्वर्टर है कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। चलिए इसको बगल में रखते हैं हम और डायरेक्ट आपको दिखाते हैं डीसी फैन। ये होममेड डीसी फैन है, देख पा रहे होंगे आप। इसको मैंने
खुद से असेंबल करवाया था, और इसमें आप देख पा रहे होंगे जो मोटर लगा हुआ है ये छोटा वाला मोटर है, और ये पूरी तरह से असेंबल किया हुआ है, ये खरीद के मैंने नहीं लाया था। चलिए इसको हम डायरेक्ट पैनल से कनेक्ट करके आपको दिखाते हैं। अब सोलर को हम कनेक्ट करके दिखाते हैं आपको, फैन को आप देख पा रहे होंगे ये हमारा प्लस है, प्लस वायर, इससे हम प्लस को कनेक्ट करेंगे, और ये हमारा माइनस वायर है, इसको माइनस कनेक्ट करेंगे। देख पा रहे होंगे आप ये भरपूर हवा दे रहा है, और बहुत ज़्यादा इसको स्पीड में हम नहीं कह सकते, बहुत अच्छा भी नहीं कह सकते, बहुत ख़राब भी नहीं सकते, एक मिनिमम हवा दे रहा है ये। तो यहाँ अगर आप सोलर 50 वाट से फ़ैन चला के हवा लेना चाहते हैं तो मिनिमम के लिए तो ठीक है, बहुत हाई आपको हवा नहीं दे पाएगा, फिर भी ठीक ठाक चल रहा है, देख पा रहे होंगे आप। जबकि आपकी जो डीसी मोटर वो सबसे हल्की वाली है। अब चलिए हम शुरू कर, अब हम कंपैरिजन करते हैं आपके सोलर चार्जर कंट्रोलर में कि कौन सा सोलर चार्जर कंट्रोलर बेहतर है। तो चलिए हम शुरू करते हैं, दोनों का कंपैरिजन करते हैं कि कौन सा बेहतर है, कौन सा हमें ख़रीदना चाहिए, कौन सा नहीं ख़रीदना चाहिए। इसके पहले मैंने दो वीडियो आपके अमेची का और लुमिनस सोलर चार्जर कंट्रोलर का मैंने वीडियो डाल रखा है, आप जाके देख सकते हैं हमारे चैनल पे। तो पहले हम कनेक्शन करते हैं सोलर का अमेची सोलर कंट्रोलर में, और फिर हम देखते हैं कि किसमें से कितना आउटपुट आ रहा है हमारे बैटरी चार्जिंग के लिए, और कितना सही वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है। तो चलिए हम इसको पहले कनेक्शन जोड़ लेते हैं, ये हमारा प्लस है, ये हमारा माइनस है, तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ तो इसको हम पहले से कस लेते हैं। देख पा रहे होंगे निर्देशों के अनुसार तो बगैर बैटरी के इसको हमको नहीं कनेक्ट करना चाहिए, लेकिन हम ये देखना चाहते हैं कि इसमें से कितना आउटपुट निकलता है जो हमारे बैटरी के सेहत के लिए अच्छा होगा या ख़राब होगा, कौन सा सोलर कंट्रोलर अच्छे से काम कर रहा है। तो चलिए हम इसका पावर चेक करते हैं, हमारा ये मल्टीमीटर है, आप देख पा रहे होंगे पैनल शो कर रहा है, और इसके बाद इसमें हम चेक करते हैं कितना वोल्टेज बन रहा है इसमें, कि हमारी बैटरी के लिए कितने वोल्टेज आ रहे हैं, आप देख पा रहे होंगे देखिए आप, ये सोलर चार्जर कंट्रोलर किसी काम का नहीं है, क्योंकि ये देख रहे हैं कि 19 वोल्ट ले रहा है, ये आउटपुट भी 19 वोल्ट ही दे रहा है। इस मामले में ये अमेची का सोलर चार्जर कंट्रोलर बैटरी की सेहत के लिए अच्छा नहीं होगा, और हम तो आपको यही रिकमेंड करेंगे ये तो बिल्कुल ही लेने लायक नहीं है। ये चीज़ हमारे मन में काफ़ी दिन से चल रहा था कि सोलर चार्जर कंट्रोलर में हमारा आउटपुट कितना आ रहा है, इसके लिए वीडियो आपको बना के हम ज़रूर दिखाएँ। तो चलिए अब कनेक्शन करते हैं हमारे लुमिनस में, ये हमारा अमेची का 749 रुपये का 30 एम्पियर में है, 12 वोल्ट 24 वोल्ट में। तो अगर हमारा सोलर चार्जर कंट्रोलर वर्क नहीं करता है तो इसका कोई मतलब लेने का है नहीं, तो पूरी तरह से ये कबाड़ है, डिब्बा है। तो इसको हम दिखा रहे हैं, आप देख रहे हैं 19 वोल्ट दिखा रहा है आपको मल्टीमीटर में, तो इस तरह तो बैटरी हमारी ख़राब हो जाएगी, ये प्रॉपर वर्क भी नहीं कर रहा है इसका मतलब। तो चलिए हम लुमिनस अब जोड़ते हैं, हमने मल्टीमीटर के दोनों पिन जो हैं बैटरी वाले सॉकेट में जोड़ दिए हैं। अब चलिए हम डायरेक्ट अब सोलर इसको देते हैं कनेक्शन,
और आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे हमारा जो लुमिनस चार्जर कंट्रोलर है वो रीडिंग मोड में चल रहा है। अगर बैटरी का कनेक्शन नहीं लगा हुआ है तो रीड कर रहा है कि हमारी बैटरी कितने वोल्ट की है, उसी हिसाब से वो मैनुअल कर लेता है कि हमें कितना वोल्ट चाहिए हमारी बैटरी को। तो इस मामले में हमारा जो लुमिनस है वो अमेची से बेहतर है, और मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप अमेची सोलर चार्जर कंट्रोलर ना लें, पैसा आपका वेस्ट होगा। और ये लुमिनस ही सबसे बेहतर है, थोड़ा सा महंगा पड़ेगा कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपको अच्छा सामान चाहिए तो लुमिनस के साथ जाइए। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। नमस्कार दोस्तों।